उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि महाराष्ट्र आर्थिक रूप से काफी विकसित है, लेकिन यहां पर आंकड़ों के मुताबिक आत्महत्या करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि किसानों का लोन माफ करने की बात होती है, लेकिन यहां कितने किसानों का लोन माफ हुआ है? अगर किसानों का लोन माफ हो रहा है तो फिर किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? अखिलेश ने कहा कि मोदी सरकार ने नोटबंदी कर कहा था कि इससे भ्रष्टाचार और कालाधन पर रोक लगेगी, लेकिन नोटबंदी से कुछ नहीं बदला, सिर्फ नोटों का रंग बदल गया है। बीजेपी देश की सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है। भाजपा देश में धर्म और जाति के नाम पर जहर फैला रही है। ऐसा करके वो देश को गलत रास्ते पर ले जा रही है। दुनिया भर के देश बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव करते हैं, लेकिन भारत में ईवीएम से चुनाव होते हैं। जब हम बैलेट पेपर पर मोहर लगाते हैं तो हम सरकार ने कैसा काम किया है इस पर मोहर लगाते हैं, लेकिन जब हम ईवीएम से वोट डालते हैं तो हम अपने लिए वोट करते हैं। अखिलेश ने ये सब कहते हुए सरकार की सभी बातों पर निशाना साधने की कोशिश की। महाराष्ट्र के किसानों की आत्महत्या से लेकर ईवीएम मशीन सभी मुद्दों पर राय रखी। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।